तो अगर समय हो तो आप कितने बजे वहां निकलना है आपको, जुहू के लिए कह रहे थे? मैं हो गया, मैं डॉक्टर साहब को सुनता हूँ अच्छा, और हाँ, हाँ तो और डॉक्टर सुन साहब, करके जैसे ही मेरा कॉल आएगा बीच में, तो मैं अगर ऐसा कुछ हुआ जी तो मैं आप लोगों से अभी इजाजत चाहता हूँ, बट मैं डॉक्टर साहब को सुनना हूँ। ठीक ठीक सर, ठीक सर, जी जी थैंक यू सर। आओ डॉक्टर साहब। नमस्कार दीक्षित जी, हाँ सर 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 प्लीज। कैसे हैं? बढ़िया साहब, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ऑलरेडी मिस्टर निगम ने ये भी नमस्कार कर रहे हैं आपको, सोना भी है। आई थिंक ऑलरेडी मिस्टर निगम हैज कवर्ड गुड गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। और जो दो बात मुझे इनकी सबसे ज्यादा पसंद आई, जिसको मैं अपने उसमें टॉक में कवर करूंगा, जिसको इन्होंने बोला कि मुसीबतें आती हैं लेकिन आपको उसके साथ फाइट करना है। तो सबसे पहले तो नमस्ते, स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके। जो मिस्टर निगम ने बोला कि जब प्रॉब्लम्स हो तो उससे फाइट करना है, और उसी को टेक्निकली हम रेजिलियंस कहते हैं, जो स्ट्रेस बस्टिंग ये है। तो आप लोगों की परमिशन के साथ एक मेरा छोटा सा डिस्क्लोजर है कि बाय प्रोफेशन मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, और मेरा टॉक मोस्टली मेंटल हेल्थ और साइंस से रिलेटेड होगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने इजीली आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए वैसे हम करेंगे। स्ट्रेस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया, स्ट्रेंगर से, और इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रेस कॉजेज ब्लड वेसल्स टू क्लोज, देयर बाय रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो, इट मे इवन श्रिंक ब्रेन। स्ट्रेस इतनी सीरियस प्रॉब्लम। एक टिपिकल जो स्ट्रेस रिएक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1400 बायोकेमिकल इवेंट्स को ब्रेन में चेंज करता है, और आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को और एनर्जी को सिग्निफिकेंटली ड्रेन अंडे और करता रोस्ट स्ट्रेस फ्री रूम पर मारता रहता है, घंटे घंटे मारता रहता है। एक मुझे अल्बर्ट है, क्योंकि आज मैं सारे इनकम टैक्स के प्रोफेशनल्स के साथ हूँ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ हूँ। आइंस्टाइन की एक बड़ी फेमस कोट है, आप लोगों ने सुना होगा, द हार्डेस्ट थिंग इन द क्या। वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज द इनकम टैक्स, और आई मैं वांटेड भी आज दिस, तक नहीं समझ पाया ये बात। डोंट डू, आई थिंक दैट प्राइस इज बहुत फॉर कलर, बट आई वांट दिस कलर, सारी स्पॉटेड टू वॉइस द बीच में आ रही है मॉडल नंबर मिस्टर एफ दीक्षित। सिक्स। आई'ल शो यू। हेलो, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दे प्लीज। इज इट बेटर नाउ? यस सर, यस ओके, सर। ग्रेट। सो वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस कोट। आप यू विल बी सरप्राइज, ऑलमोस्ट 60, और अब तो ये जो डेटा है ये 2016 एंड का है। स्ट्रेस इज द कॉज बिहाइंड 60% ऑफ ऑल द ह्यूमन इलनेस। इंटरेस्टिंगली द रिस्क ऑफ हार्ट डिसऑर्डर इज इंक्रीज बाई 40%, हार्ट अटैक्स बाई 20% एंड स्ट्रोक बाई 50%। और एक लुई हॉल्ट्स की कोट है जो मैं हमारे हॉस्पिटल में भी लगी हुई है, इट इज नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट इज द वे यू कैरी इट। हम सब एक एनवायरमेंट में रहते हैं, एक जैसा काम करते हैं, एक ही सिचुएशन को फेस करते हैं। मिस्टर ए को स्ट्रेस होता है, मिस्टर बी को नहीं होता। सो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आप उसको अच्छे से कैरी कर सके। बाय डेफिनेशन इट इज साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल व्हेन दे परसीव अ लैक ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन देम एंड देयर एबिलिटी टू मीट दोज डिमांड्स, विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू इल हेल्थ। सो लार्जली अगर आप डेफिनेशन में भी देखें, बहुत सारा आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, आपके रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। एक रजनीश की बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है जो जिसका एंड बड़ा प्यारा है कि हर दो व्यक्ति अलग हैं, देर इज नो नीड टू कंपेयर, यू आर यू एंड आई एम आई एंड एवरी वन इज यूनिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है कंपेरिजन। सो अगर हम उस चीज से बाहर आ जाते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हमारा काफी कम हो जाता है।
स्ट्रेस के टाइप्स, कॉमनली स्ट्रेस क्या है? एक तो पॉजिटिव स्ट्रेस है जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, देन देयर इज डिस्ट्रेस जिसको नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। उसकी दो वेराइटीज है, वन इज एक्यूट जो इमीडिएट है, दूसरा क्रॉनिक जो काफी समय से चल रहा है जिसको हम टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। और टॉक्सिक वर्ड इसलिए करते हैं कि जेन्युइनली ये ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप करता है जिसको हम फंक्शनल एमआरआई से प्रूफ कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल काम है। मेजर स्ट्रेस की वैरायटीज क्या है? वन इज फ्रस्ट्रेशन जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट दो चीजों के बीच में, चेंज जो चेंज हो रहा है हम उसके साथ एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे इनकम टैक्स में चीजें आ गई, बिजनेसमैन परेशान हो गया, जीएसटी आ गया, तो क्योंकि वो चेंज से अडाप्ट नहीं कर पाया। देन देयर इज प्रेशर आपकी एबिलिटीज और उसको फिर कंफर्म कर पाना। स्ट्रेस किस तरीके से अफेक्ट करता है? कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जहां स्ट्रेस अफेक्ट नहीं करता। अगर हम ब्रेन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। हार्ट की अगर हम बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है, जॉइंट्स में पेन होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कम हो जाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी फिनिश करी है एम्स वालों के साथ, जिसमें हमने 796 पेशेंट्स को लिया और जिन लोगों को कोविड हुआ, इंटरेस्टिंगली दोज हु वर इन स्ट्रेस दे हैड 157% मोर इफेक्ट ऑफ कोविड एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट इन स्ट्रेस। 157% मोर, विच इज ए हमिंगस फिगर। There is a lot of problems with hair loss, early graying of the hair, dull brittle hair, पेट सबसे जो कॉमन स्ट्रेस का इफेक्ट आता है वो पेट पे आता है, आपका पेट खराब रहेगा। और कॉमन कंप्लेन जो आती हैं लोगों की कि गैस बहुत बन रही है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया बहुत होता है, जलन बहुत होती है पेट में, एंड देन आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आपका साइकोसेक्सुअल डिजायर्स कम है, आपकी सेक्शुअल परफॉर्मेंस पुअर है, आपका इरेक्शन पुअर है, वुमेन हैव अ लॉस ऑफ डिजायर, हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर। और अगर हम काम की बात करें, अगर आप फर्स्ट फिगर, इस पूरे फिगर का फर्स्ट पार्ट देखें, 64% ऑफ एम्प्लॉयज डिस्क्राइब देयर जॉब एज स्ट्रेसफुल, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1 in 3 का फिगर हो गया। और 50 आधे से ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ इंपेयर हो रही है। और ऑब्वियसली अभी तो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1 in 4 या 1 in 5 को एक क्लियर कट एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हम सबको बचना है, जो कि मेरा मैसेज है। हेडेक, डिप्रेशंस, डायबिटीज, वेट गेन, वेट लॉस, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, जो आज के हमारे टॉपिक का फोकस है, 10 सबसे बड़े जो कारण है वर्क प्लेस रिलेटेड को क्या क्या है? नंबर 1 इज सैलरी। ये परसीव्ड है, जो लोग खुद परसीव करते हैं। लॉन्ग आवर्स एंड एक्सेसिव वर्कलोड, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट्स, वर्क अनइंटरेस्टिंग है, मोनोटनी है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, एक जैसा ही काम रोज करना पड़ता है, जॉब के ऊपर कंट्रोल बहुत पुअर है, सोशल सपोर्ट कम है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, काम के प्लेस में जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वी डू नॉट एंजॉय गुड रिलेशनशिप्स, और वर्क एनवायरनमेंट, फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की बहुत अच्छी कोटेशन है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, स्ट्रेस इज ऑफन टर्म्ड एज 20th सेंचुरी सिंड्रोम, बॉर्न आउट ऑफ मैन्स रेस टूवर्ड्स मॉडर्न प्रोग्रेस एंड इज इंसुइंग कॉम्प्लेक्सिटीज। एंड this is actually the bottom line is simplicity and minimalism may give answer to lots of our problems. Actually hum log abhi time bomb pe baithe hain, ye jo aap study dekh rahe hain ye india specific study hai 2016 ki, it's a wonderful study. Jo log bhi interested ho, Mr. Dixit can give you my email id and I'll be happy to share this study with you. It gives us lots of insight into this problem. Or जो हमारी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसका जो पेस है वो हमारे वर्क प्लेस पे उतना एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा। और जस्ट आज से 3 या 4 साल बाद 57% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 50% विल सफर फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी तरीकों की चीजें आ जाएंगी। और
एल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन अलोंग विथ ऑल दिस और बहुत ज्यादा बढ़ेगा. सो बेसिकली वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब. कमिंग टू द रियल टॉपिक ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेसर इम्पैक्ट्स एंड आउटकम. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो ऑरेंज वाला सर्किल है दैट इज द प्रोफेशनल स्ट्रेसर्स, वर्क प्लेस फ्लेक्सीबिलिटी, आवर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, टीम रिलेशनशिप, वर्क प्लेस का कल्चर. और जो ब्लू वाला जो इनर सर्किल है दैट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप्स, वो पर्सनल रिलेशनशिप है, बिरीवमेंट है, पेरेंटिंग है, मैरिटल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, पेरेंट्स हैं. सो वन इज VOI, आउटकम्स क्या है, वैल्यू ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो वर्क एंगेजमेंट फटीक परसेंटिज्म से आता है, एंड देन इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दो बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है. वन इज प्रेजेंटिज्म, जो बहुत कॉमनली दिखता है हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है, यू आर लॉस्ट. एंड वन ऑफ द कॉमन रीजन इज बर्न आउट विच इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड अदर इज एब्सेंटिज्म, नीदर यू आर गोइंग टू वर्क नॉर फिजिकली मेंटली यू आर एब्सेंट. ये इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव है तीन एरियाज को, वर्क एंगेजमेंट, फटीक और प्रेजेंटिज्म में. आप दो चीजों को देखेंगे, एक तो क्लैरिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी. ये तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है. लैक ऑफ क्लैरिटी, इनएबिलिटी टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत बड़ी स्मार्ट. तो वी नीड टू बी वेरी गुड मैनेजर्स, वी नीड टू डेवलप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्मार्टनेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एवरी डे. मैंने ये बहुत सारे इसके सेक्टर्स हैं, बट स्पेसिफिकली आज चूंकि मैं फिनेंस के सेक्टर में बात कर रहा था तो ये फिनेंस सेक्टर में है. इनफैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लैरिटी, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज विच नीड्स लॉट ऑफ फोकस. और आप लोग अगर आपस में अपने आप से रिलेट करेंगे तो देखेंगे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैज अ हाई इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेस आउटकम इन दिस सेक्टर. तो चूंकि फ्लेक्सिबल नहीं है, हमको ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है, टाइम पे हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है, हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है, और इस तरीके के रिलेटेड प्रॉब्लम है. मिस्टर दीक्षित, हेलो हेलो. मिस्टर दीक्षित, मेरा अगर बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है. ठीक है सर. हाँ, किसी को अगर बीच में कुछ पूछना हो या बाद में चाहे तो क्वेश्चन सेशन बाद में रखें, लेकिन अगर किसी को जरूरत, किसी को जरूरत. और आई वुड लाइक कि आप इस वाले ग्राफ पर फोकस करें. रेस्पेक्ट सबसे बड़ा स्ट्रेस आ रहा है वर्क प्लेस पे. हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड स्टडी. ये डेटा मेरा जनरेट किया हुआ नहीं है, दिस इज एस्टैब्लिश्ड स्टडी. रेस्पेक्ट एट द वर्क प्लेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेसर. और उसी तरह पर्सनल स्ट्रेसर्स जो हैं उसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं. ये दो बड़े स्ट्रेसर्स हैं, रेस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, प्रोफेशनल एंड पर्सनल. और इन केस ऑफ वुमेन दिस रेस्पेक्ट कंपोनेंट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल. ये साइंस हैं, मैं एक एक करके एक साइन पे आता हूं. आप खुद असेसमेंट करिए कि क्या हम बर्नआउट हैं. हम बार बार अपना अलार्म जल्दी सेट करते हैं, काम के बाद हम डिप्लीट हो जाते हैं, बुरी तरह थक जाते हैं, हमारा स्लीप पैटर्न नॉर्मल नहीं है. वीकेंड के बारे में सोच के ही हमको खुशी होती है कि आज सैटरडे नाइट है, आज संडे, आज वीकेंड है, वी आर टू. हम जस्ट अपने जॉब के लिए ऐसे ही बोलते हैं, बस ठीक है चल रहा है. कॉन्स्टेंटली बींग आस्क्ड अबाउट फीलिंग्स. और मंडे के नाम से ही स्ट्रेस होने लगता है. और जल्दी रिटायरमेंट लेना, काम को छोड़ देना, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना, या फ्रेंड्स में बात करना कि अब मैं रिटायर होऊंगा, इस बारे में अक्सर बातें करना, अपने को वर्कर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, अपने जॉब के बारे में लोगों से बात नहीं कर पाना, अपने को वर्कर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में याद नहीं रख पाना कि हमने लास्ट क्या अचीव किया, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फीलिंग करना, कभी फील ही नहीं कर पाना कि हमने जिंदगी में कुछ किया है, या हम कुछ कर रहे हैं, या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. बहुत सिनिकल हो जाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था. और बहुत जल्दी जल्दी हमें गुस्सा आता है, या इरिटेशन होता है, या एंगर आता है. और अपने लाइफ पार्टनर से हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट करना, और नई जॉब के लिए बहुत ज्यादा एंग्शियस होना कि हम नहीं कर पाएंगे जिस जगह, मतलब कंफर्ट जोन की एडिक्शन हो जाना. और
लास्ट है कि आपका कोवर्कर जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इन चीजों को देखें और स्ट्रेस करें, विद दिस आई विल स्टार्ट द बेसिक टॉपिक दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिंपली एक सेट ऑफ टेक्निक एंड प्रोग्राम्स विच इज इंटेंडेड टू हेल्प पीपल डील विद इफेक्टिवली विद स्ट्रेस इन देयर लाइफ बाई एनालाइजिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेसर एंड टेकिंग पॉजिटिव एक्शंस। तो दो चीजें हमें नोट करनी है, एक तो स्पेसिफिक स्ट्रेसर्स को हमें एनालाइज करना है, दूसरा हमें पॉजिटिव एक्शन लेना है उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की। अगेन आप अगर फोकस करें, स्ट्रेस खत्म करने की बात कहीं नहीं आती व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज क्यों नहीं आती? आंसर इज सिंपल, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। वाइने डायर की एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, देयर इज नो स्ट्रेस इन द वर्ल्ड, ओनली पीपल थिंकिंग स्ट्रेसफुल थॉट्स। सो अगेन इट्स ए हाईली सब्जेक्टिव इशू। स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 A's हैं, और अगर आप डायग्राम जो अभी पिक्चर देख रहे हैं, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो कार्टून देख रहे हैं आप, 70% ऑफ द पीपल आर अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, विच इज ए ह्यूज नंबर। वुमेन आर स्ट्रेस मोर देन मेन, रेशियो इज 3:1। मेजॉरिटी ऑफ द इलनेस आर स्ट्रेस रिलेटेड, दे आर ईदर कॉज्ड और दे कम अर्ली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। Young people have more stress as compared to elder people. The 4 A's are avoid, alter, accept and adapt. Avoid, alter, accept and adapt. We'll come to one by one. First is avoid. जहां तक possible हो आप environment को control में ले stress को avoid करने में, इसके लिए planning जो मैंने पहले भी कहा था, we need to become smart मैनेजर्स। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिए, उतनी लीजिए जितना मैनेज कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट टेबल पे बैठ के अपने काम को ऑर्गेनाइज करने से करिए, इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है। और हम, जहां तक मेरा अनुमान है, हम एज फार एज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ आइजनहोवर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हम एक प्रिंट करके A4 साइज में रख सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करें एंड अकॉर्डिंगली वर्क इन ऑर्डर। 6 rules, इंपॉर्टेंट 6 rules जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें एक चीज ऐड है, गेट इनफ स्लीप। देन ऑल्टर, चेंज करना है। आप आई को एड्रेस करिए, आई फील फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस हैवी लोड, कैन यू हेल्प मी बैलेंस दिस। अपने टाइम को बेटर मैनेज करने के लिए ग्रुप कॉल्स में बिलीव करिए, टास्क को जितना डिजिटलाइज हो सकता है कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर लीजिए, और आपको लिमिट सेट करना पड़ेगा। एक केस एग्जांपल जो मैंने यहाँ बताया, आई ओनली हैव 5 minutes टू कवर दिस डियर, सो प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो वी हैव टू लिमिट, देन एक्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन चारों में से हम बात करें तो एक्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इज एक्सेप्ट करिए चीजें जैसी हैं वैसी। टॉक अबाउट स्ट्रेसर, उस व्यक्ति से बात करिए जिसको आप पे ट्रस्ट हो और जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। फॉरगिव करना शुरू करिए, फॉरगेट करने से नहीं होगा, वी हैव टू स्टार्ट फॉरगिविंग, क्योंकि हर आदमी वही करता है जैसा उसका दिमाग या उसकी ट्रेनिंग उससे करवाती है। एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, सो एक्सेप्ट दिस। इन सब को अगर हम कंबाइन करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज टीचेबल मोमेंट्स। दीज आर द मोमेंट्स विद टीचर्स, दे आर आवर रियल टीचर्स, They are our real guides. बहुत जॉर्ज ऑरवेल की बढ़िया कोटेशन है, happiness can exist only in acceptance. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते आप कभी कुछ नहीं रह सकते। एंड देन Eckhart Tolle, a very very famous poet, very famous theater person, most of us love him. Accept then act. Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. Always work with it, not against it. This will miraculously transform your whole life. What a beautiful quote. Then adapt. Adaptation is very important. This is pure biological. You need to adapt. And adapt mein kaise karna hai? You have to live through the situation. You just have to live the situation as it is. And always think this too shall pass.
We know the quotation, but you have to keep on telling that, yes, everything is okay. I can handle this. This too shall pass. Stress is a time-bound phenomenon. The present moment is stressful. Next moment is in my control. अभी इस मोमेंट पे तनाव है, अगले मोमेंट मेरे कंट्रोल में है. एंड अडॉप्टेशन टू स्ट्रेस के चार पार्ट्स हैं, जिसपे मेरा पॉइंटर है, जिसपे मेरा कर्सर है. वन इज अलार्म, आपको एक अलार्म बजता है बॉडी में. देन इज फाइट और फ्लाइट, दो तरीके के लोग हैं, आप फाइट कर सकते हैं या वहां से भाग सकते हैं. देन इज एग्जॉशन, आपकी बॉडी थकने लगती है. और ये जो एग्जॉशन है, इसको आप जितना स्ट्रेस मैनेजमेंट की अप्रोचेस क्या है. आइंस्टाइन की एक बहुत अच्छी कोट है, इफ आई हैड 60 मिनट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स इन डिफाइनिंग इट एंड 5 मिनट्स सॉल्विंग इट. लेट्स डू सम इंट्रोस्पेक्शन. हम एक मिनट सोचते हैं. सारे लोग एक बार एक रिवाइंड करिए, आपको लास्ट स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस कब आया था और हमारा क्या रिएक्शन था. हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं एंड दैट लीड्स टू प्रॉब्लम. वन इज एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेस, कोई एक्शन लेते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ठीक करने के लिए. देयर इज इमोशन ओरिएंटेड, दिस इज यूज्ड टू चेंज वे वी परसीव अ सिचुएशन. एंड द लास्ट इज एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. और अगेन आइंस्टाइन ने कहा, वी कैनॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज व्हेन वी क्रिएटेड देम. दिस अगेन पॉइंट्स टुवर्ड्स स्मार्ट मैनेजमेंट. व्हाट आर एक्शन ओरिएंटेड मेथड्स, व्हाट आर द फंक्शंस, गोल्स, बेनिफिट्स एंड पॉसिबल एप्लीकेशंस. वन इज बी असर्टिव. असर्टिव इज right thing to right person at right time in the right fashion. That is assertion. Be very clear and firm, be polite and firm. Reduce the noise. Jitni possible hota hai noise kam kariye. Agar ghadi mein tick 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 hai, to wo ghadi lijiye jo smoothly move karti hai. Fan mein awaaz aa rahi hai to usko theek karaiye. Mobile bante koshish vibration pe rakhiye. Computer se noise kam aani chahiye. UPS se noise nahi aani chahiye. बाहर से नॉइज नहीं आनी चाहिए. नॉइज कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस. मैनेज योर टाइम वेरी इफेक्टिवली. जब भी आप टाइम की बात करें, कभी वीक या दिन से मत कैलकुलेट करिए. ऑलवेज कैलकुलेट ईदर बाय मिनट्स और बाय आवर्स. कि 8 से 9 घंटे हम हैं. 8 घंटे मींस 60 × 8, 480 मिनट्स. सो कैलकुलेट बाय 480 मिनट्स. एंड दिस 480 फिगर लुक्स वेरी लार्ज. एंड देन यू लुक इनटू योर आउटपुट. And at the end, create very, very clear, unblurred, uncluttered boundaries. What are emotion-oriented? हम कैसे अपने आप अपना जो perception है उसको change करें? Affirmations and imagery. This is the core science of Albert Ellis ने जो CBT हमारा develop किया, जिसको हम cognitive restructuring कहते हैं, कि हम अपने ही negative emotions को खुद समझ के उसके जो incorrect beliefs हैं, उसको हम change करें. And this is the key component of CBT. Or we might be master of our own thoughts, but we are still slave of our own emotions. Freud, father of modern psychiatry, unexpressed emotion will never die. They are buried alive and will come back forth later in uglier ways. Isliye you have to be very assertive. You have to tell the person at the right time in the right fashion. Because if they are stored, if they are not expressed, ek important cheez hai ki sorrows which does not have veins in tears make other organs weep. Ultimately, wo stress aapke body mein kahin na kahin se exit lega. Aur jab wo exit lega, to saath mein bimari ko entry dega. So this is how it goes. Acceptance oriented. Diet and exercise, sleep, meditation and physical relaxation, talk it out. Always keep on talking it out. And then build resilience. Jo Mr. Nigam ne shuruaat mein kaha ki kitna bhi tanav aaye, ek word use kiya tha, main bhul gaya, pratikul. To kaisa bhi matlab ki
नेगेटिव मोमेंट हो, रेजिलियंस अगर हमारी स्ट्रांग है, और आज के टाइम में जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो तीन प्राइमरी फोकस है. वन इज टाइम मैनेजमेंट, चार टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, थर्ड इज रेजिलियंस. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं. What makes people resilient is the ability to find humor and irony in situation that would otherwise overpower you. This is what is required. इसलिए मैं मिस्टर निगम जैसे लोगों का, I am a real fan of people who make other people laugh and make them happy. That's very important. They are the real contributors to society. This is one of the most important part of my presentation today. Resilience bank account. आप सब लोगों के bank accounts को deal करते हैं और अपने तो करते ही होंगे as income tax officers. एक resilience bank account होता है RBA. ये वो bank account है जो आपको जिंदगी में stress free रहने के लिए, दोबारा खड़े होने के लिए, बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आपको help करता है. बॉटम लाइन क्या है? आई एम ए स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, क्लियर, इमोशनली स्टेबल एंड ए बैलेंस्ड गाय. दिस इज वॉट इज द आउटकम ऑफ ए रेजिलियंस एक्सरसाइज. जब आप सिग्निफिकेंट रेजिलियंस एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए. रेजिलियंस बैंक अकाउंट के तीन मेन विटनेसेस होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इमोशनल फ्लेक्सीबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन. Positively strengthen one's internal relationship. अपने साथ अपना relationship improve करिए. अपना relationship दूसरे के साथ बाद में focus किया जा सकता है. Improve your relationship with own self. These are three pillars of resilience bank account. हमारा जो best है वो क्या है? जो हमारा daily का stress है, personal life में है, financials, relationship, struggles. सेकेंड, हमारे एक्सटर्नल जो जितने डोमेन्स हैं और जो अनअवॉइडेबल है. और थर्ड, हमारी जो स्टॉक पाइल्स है, जेनेटिक्स है, जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये हमारा बेस्ट सेल्स को निकालने में या सप्रेस करने में और ये ओवर डिप्रेशन को लीड करता है. रेजिलियंस के अंदर छह मेन चीजें हैं जिसके बारे में वन टू वन बात करेंगे. फर्स्ट इज स्लीम, रोलिंग स्टोन्स द फेमस बैंड, लूज योर ड्रीम्स एंड यू लूज योर माइंड. You all will be surprised, ISS, that is insufficient sleep syndrome. ये voluntary है, जो खुद चूज करते हैं कम सोना. यहाँ किसी को नींद नहीं आती या किसी को लगता है कि हम कम सो के ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, whatever may be the reason. But ISS आपकी मोर्टैलिटी, आपके डेथ के चांसेस के 12% तक बढ़ाता है, as high as 12%. और खासकर जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ऑलरेडी खराब रहती है. सो गुड स्लीप हाइजीन इज द फाउंडेशनल हैबिट ऑफ आरबीए रेजिलियंस के लिए. और अगर आप नहीं सो रहे हैं, लंबे समय तक स्लीप की डिप्रिवेशन है या स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, आपको कॉम्प्लेक्स स्किल्स में अच्छा नहीं लगेगा, आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे रिवॉर्ड्स और इंपल्सिविटी में, नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस आएंगे. 7 से 9 घंटे हमें सोना ही चाहिए, 8 घंटा एक स्टैंडर्ड है, बट 7 आवर इज मिनिमम. बहुत सारी लोग बात करते हैं कि शॉर्ट स्लीपर्स हैं, वो 4 घंटे सोते हैं. दिस इज नॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इन बातों को नहीं बिलीव करना है. सेकेंड इज एक्सरसाइज. जीन जैकल रोजियो का एक कोट है बहुत इंपॉर्टेंट, माई माइंड वर्क्स ओनली विथ लेग्स. और इंटरेस्टिंग है, आप अपना एक फंक्शनल एमआरआई कराइए. ब्रेन का एक एरिया है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, उसको मेजर कर लीजिए. और ये बहुत सिंपल टेक्निक है, किसी भी अच्छे शहर में फंक्शनल एमआरआई हो जाता है, उसका वॉल्यूम चेक करिए और 3 महीने लगातार एरोबिक एक्सरसाइज करिए. देयर इज अ 12% इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बाय हिप्पोकैम्पस. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. और ब्रेन डिराइव्ड नर्व फैक्टर को एक्सरसाइज बढ़ाता है अलॉन्ग विथ मेनी अदर थिंग्स. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज कोर साइंस, बट बेनिफिट्स क्या हैं एरोबिक्स के? 30-40% ऑफ रिडक्शन इन रिस्क इन डिमेंशिया, और आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है.
आपका कॉग्निटिव जो डिक्लाइन है, जिसको हम मेमोरी डिक्लाइन या जजमेंट या विजडम की कहते हैं बातें, वो ऑलमोस्ट 30% कम हो जाती है। आपकी मेमोरी इंप्रूव करती है, लर्निंग मोटर स्किल्स इंप्रूव करते हैं। थर्ड इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। द क्वालिटी ऑफ योर माइंड डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। योर लाइफ इज व्हाट योर माइंड्स क्वालिटी इज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सैम हैरिस का, ही इज अ बिग मेडिटेशन एक्सपर्ट एंड फिलोसोफर, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग हिम, मोस्ट ऑफ यू। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है, कॉल्स द वॉइसेस इन आवर हेड द मोस्ट रैम्बलिंग chaotic, needling, insulting, insufferable person you will ever meet, and that is like some having some maniac walk through the front door of your house and follow you from room to room and refuse to stop talking. This is so important. और meditation जो है एक continuous life, ये आपकी life का एक integral part होना चाहिए, एकदम integral part होना चाहिए। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो एक जेनेरिक वर्ड है, इट्स लाइक स्पोर्ट्स। व्हाट स्पोर्ट्स? यू हैव टू बी स्पेसिफिक। वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल और व्हाटएवर स्पोर्ट्स यू आर इनटू। इसी तरह मेडिटेशन को हम लोग कैटेगोराइज करते हैं, एंड दिस इज बी डन बाय सिंगर एंड हिज कोलीग्स। वन इज BBS, दैट इज ब्रीदिंग एंड बॉडी स्कैन। सेकेंड काइंड इज लविंग काइंडनेस, जिसको हम LK कहते हैं। देन इज ऑब्जर्विंग थॉट्स। These all are important. They all have their important role. और bottom up, एक इसका process है bottom up और एक उसका और दूसरा process है top down. जो body brain scan है, जो primary component है mindfulness based stress reduction का, जिसको MBSR program कहते हैं, वो उसका primary component है। और लविंग काइंडनेस मेडिकेशन जो है, ये एक्टिव जनरेशन है फ्रेंडलीनेस और गुडविल का, और ये एक्सरसाइज करने से आप अपने स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली खत्म करते हैं। नाउ व्हेन आई से ऑटोमेटिकली खत्म करते हैं, व्हाट इट मींस इज कि स्ट्रेस का इंपैक्ट होता नहीं है, एंड स्ट्रेस बिकम्स ए नॉर्मल हैपनिंग इन योर लाइफ। जैसे आप जा रहे हैं, घर से कोई मिल गया, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया, आप परेशान नहीं हो रहे, और वही अगर आप स्ट्रेस में हैं, ट्रैफिक जाम हुआ, खिड़की खोलेंगे, ड्राइवर को बोलेंगे साइड से निकालो, ये नहीं होता। जस्ट एज लिटिल एज 30 मिनट्स ए डे प्रैक्टिस डेली, जस्ट 13 मिनट्स, एंड वी हैव 24 into 60 मिनट्स इन टू डे, वेर यू हैव टू स्लीप फॉर 8 into 60 मिनट्स, दैट इज 480 मिनट्स, स्टिल लॉट ऑफ टाइम इज लेफ्ट। सो जस्ट 13 मिनट्स एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। Fourth is gratitude. This is my favorite and the most practical thing to do. It's an other directed emotion and is defined as estimate of gain coupled with judgment that someone or something else is responsible for that gain. ये central role play करता है physiological stress को, ताकि वो balance करता है CRPH जो releasing hormone है, और acute stress का brain का जो response है। इस डायग्राम को देखिए, इफ यू लुक इनटू दिस, हियर इज पर्सन ए। पर्सन ए ने पर्सन बी के लिए कुछ अच्छा काम किया, लेकिन हुआ क्या, पर्सन ए को बहुत कुछ मिला। क्या मिला? ग्रैटिट्यूड मिला। ये ग्रैटिट्यूड से उसको कोलैटरल मिला, जो इंक्रीज विलिंगनेस दूसरे को हेल्प करने की, और इंडिविजुअल वेलबींग्स क्या क्या हुई, वेलबींग बढ़ गई, कनेक्शन बढ़ गए, लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम हो गया। So gratitude gives you lot of rewards. चार तरीके से हम gratitude को handle कर सकते हैं। One is simply by contemplation, कि हम अच्छा काम करें। Second is gratitude journal, रोज की life में हम कुछ करें। And active method by demonstration, जैसे gratitude letter, एक छोटी exercise I would like सब लोगों को करने के लिए। आप जिसको भी बहुत पसंद करते हैं, कि इसको hand written चिट्ठी भेजिए। एंड थिंक ऑनेस्टली, कितने लोगों ने कितने सालों या महीनों से कोई हैंड रिटन लेटर किसी को नहीं लिखा। ग्रैटिट्यूड, लव, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। इफ यू लाइक समबॉडी, बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इन एक्सप्रेसिंग दैट, कि डियर आई लव यू, डियर आई लाइक यू, डियर आई मिस यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यू मस्ट से दैट यू हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. इन चीजों को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, खासकर हमारे स्ट्रेस और ब्रेन में. सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो मैं अभी बोल रहा था आपको, ग्रेटिट्यूड हैज ए पावरफुल पॉजिटिव प्रो सोशल इम्पैक्ट. हम नहीं करते ये चीज या हम नहीं कर पा रहे हैं. सेल्फ कंपैशन, ए मोमेंट ऑफ सेल्फ कंपैशन कैन चेंज योर एंटायर डे. एक सिंगल मोमेंट, और ऐसे इफ देयर आर मेनी मोमेंट्स, कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. कंपैशन कैसे काम करता है, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्पैथी वर्सेस कंपैशन. एम्पैथी है आप दूसरे के इमोशनल स्टेट को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, और एम्पैथी वेरी इंपॉर्टेंट है. सिंपैथी का कोई रोल नहीं है. नोबडी नीड्स एम्पैथी, वी नीड एम्पैथी. एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस जो है रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर आइडेंटिफिकेशन. एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस है. देन हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? मूव फॉरवर्ड इज कंपैशन. फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर अनदर सफरिंग कपल्ड विद डिजायर टू हेल्प इज एन एंटीडोट. कैसे कर सकते हैं? वन इज माइंडफुलनेस. हेलो हेलो, प्लीज वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर. ओके, सो वी हैव टू डू थ्री डिस्टिंक्ट इंटरनल ऑपरेशंस. वन इज माइंडफुलनेस, देन कॉमन ह्यूमैनिटी एंड जेन्युइन डिजायर टू हेल्प एंड केयर. So we have discussed self, and the last is connection to others. People organize their brains with conversations. If they don't have anyone to tell their story to, they lose their minds. Like hoarders, they cannot unclutter themselves. The input of the community is required for the integrity of the individual psyche. To put in another way, it takes a village to organize a mind. Such an perfectful quote in today's time. आप believe, शायद believe करेंगे भी और शायद surprise भी होगा. आज के world की biggest problem is loneliness. मुझे तो ये याद नहीं कि किसने लिखा है, पर एक गजल मैं सुनता हूँ जो बहुत मुझे पसंद है. हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तनहाइयों का शिकार आदमी. और loneliness is a river of misery whose banks are overflowing into our modern world, despite our being more connected electronically than ever. Hum din bhar ek dusre se connected hain, lekin lonely hain. Aur loneliness itni serious problem hai ki UK mein, United Kingdom mein, there is a ministry of loneliness. They realize this problem and they have made a ministry to combat this menace. It's such a big problem. Loneliness is of two types, social loneliness and emotional loneliness. Word itself is self-explanatory. We are more bothered about emotional loneliness. Just imagine, surprising data, the long-term health consequence of chronic emotional loneliness is equivalent to 15 cigarettes per day and much greater than obesity. Agar aap emotionally lonely hain, तो बाय डिफॉल्ट आप 15 सिगरेट के बराबर अपना लॉस कर रहे हैं. और इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. इमोशनल लोनलीनेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, योर परफॉर्मेंस, योर थिंकिंग, विजडम, जजमेंट, एवरीथिंग. तो आप कैसे करेंगे? One is mindful meditation. Second is everyday pro-sociality. रोजाना लोगों से मिलने जुलना, बात करना, लोगों से एक दूसरे के साथ शेयर करना, जिसको हम बोलते हैं गपशप करना. और एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है, joining a group outside of work and family. अपने फैमिली के बाहर और काम के बाहर के 6-7 लोगों से अगर आप हफ्ते में एक दो बार जस्ट ऐसे मिलते हैं, over cup of tea and coffee, it reduces stress as much as by 300%. हम इमोशन से कोप कैसे करें? अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन परसेप्शन, रियलाइज द इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन बिहेवियर्स, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल और बॉडी चेंजेस. इमोशंस जो रिस्पॉन्सेज में ब्रेन के अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, और ये जो फीलिंग्स आर कॉज्ड बाय फिजिकल चेंज इन द बॉडी दैट इंक्लूड एक्सप्रेशंस ऑफ द फेस.
हम कई बार बोलते हैं ना तुम चेहरे से उदास लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, वही टाइम है हमको इमोशनली लोनलीनेस को खत्म करने का. कोपिंग विथ इमोशन इज ऑल अबाउट द कैपेबिलिटी टू स्पीक और एक्सप्रेस द वे वन इज फीलिंग. इट इज अ लाइफ स्किल. इंपॉर्टेंट बात है, इट्स अ लाइफ स्किल दैट लीड्स टू अ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ. ये एक दो दिन की स्किल नहीं है, वी कीप ऑन लर्निंग, वी कीप ऑन लर्निंग एवरी डे. सम स्मॉल टिप्स, ट्राई ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन और प्रेइंग. प्रेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई थ्रोइंग द नेगेटिव थॉट्स अवे. जर्नलिंग, जर्नलिंग एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप बेटर और पॉजिटिव फीलिंग्स को क्यूमुलेट करते हैं. जर्नलिंग में आप लिखते हैं कि मेरे नेगेटिव इमोशंस क्या हैं और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं इसको कैसे खत्म कर सकता हूं या कर सकती हूं, एंड मेकिंग इट ए ग्रेटर इमोशन फोकस्ड कोपिंग टेक्निक. ट्राई प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. PMR बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. आप हेड से टो के जितने भी मसल ग्रुप्स हैं उसको आप टाइट करिए, 1 to 10 काउंट करिए, फिर 10 to 1 काउंट करके धीरे धीरे लूज करिए. वेरी सिंपल. बट हम ये नहीं करते हैं. नॉर्मली क्या करते हैं, नेगेटिवली हम इन चीजों से डील करते हैं. कैसे करते हैं, डिनायल करते हैं, नहीं कुछ नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, या ये नॉर्मल है. विड्रॉवल, विड्रॉ कर जाते हैं. बुलिंग, इरिटेट करते हैं घर वालों को, कोलीग्स को, बाहर में, कुछ भी करके क्योंकि वो हमारा वो है, हमारा कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं. सेल्फ हार्म करेंगे. उसके बाद एडिक्शन, अल्कोहल, टोबैको, अनवाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं. जो हाईली प्रोडक्टिव पीपुल हैं उनकी कुछ ये कॉमन बातें हैं. ये लोग प्लान करते हैं, सोचते हैं कि यार वो हमने उस समय किया, वो काम नहीं किया. बाउंड्रीज को सेट करते हैं, एक समय पे एक काम करते हैं, चीजों को ऑटोमेट करते हैं और डेलीगेट करते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे विल आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कीस्टोन्स हैबिट डेवलप करते हैं, विच इज लर्निंग इन इटसेल्फ. चूंकि मैं अभी आपके बीच में बोल रहा हूं, विलियम बकले की कोट, आई थिंक बहुत से लोग इससे अवेयर होंगे. आई वुड लाइक टू इलोक, मुझे लगा कि अब बहुत टेंस हो गया है, थोड़ा सा एनवायरमेंट को लाइट करना चाहिए. आई वुड लाइक टू इलेक्ट्रोक्यूट एवरी वन यूज द वर्ड फेयर इन कनेक्शन विद इनकम टैक्स पॉलिसीज. और मैं भी, मुझे खुद भी कई बार लगता है कि ये पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि समझ पाना बहुत मुश्किल है. वेल, जो है वो है, उसको हमें फॉलो करना है. वी हैव टू बी गुड एंड ब्राइट सिटीजंस. ये एक टेक्निक है जो बहुत सिंपल है मैनेजमेंट की, स्ट्रेस के मैनेज करने के लिए. पाथ वर्ड यूज करें, PATH, दिस इज द मिनोमिक, वेयर पी स्टैंड्स फॉर पास, पॉज. कोई भी स्ट्रेस आया, एक मिनट के लिए रुक जाइए. अगर आप मेरी पुरानी स्लाइड पे जाएं तो आइंस्टाइन ने कहा था, अगर 60 मिनट है तो 55 मिनट में प्लान करूंगा, एंड रेस्ट 5 मिनट इज द रियल एक्शन. तो जस्ट पॉज, जस्ट वेट, यू डोंट नीड टू रिएक्ट, नीदर यू नीड टू रिस्पॉन्ड. सेकेंड इज एक्नॉलेज. आप एक्नॉलेज करिए अपनी फीलिंग को, मैं कैसा फील कर रहा हूं. अगर मैं किसी पे गुस्सा हूं, एक्चुअली मैं क्या मैं गुस्सा हूं या सिर्फ मेरी एक इनेबिलिटी है. टी, थिंक. देयर इज इनफ टाइम फॉर यू टू थिंक, एंड इफ यू थिंक फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन ए गोल डायरेक्टेड फैशन, यू विल ऑलवेज कम विद ए रियल आउटकम. देन हेल्प, सीक हेल्प. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, ऑलवेज सीक हेल्प. Few very simple ways to relieve stress. I'm not going into those technical jargons, but मैं उसी पे focus कर रहा हूँ जो आप और हम day to day कर सकते हैं. But I am bringing them one by one. और इसीलिए इस animation को use किया मैंने कि ये one by one आएगा, it will be more impactful. Listen to your favorite music. This is a very very strong stress buster. Get some fresh air. Stretch or yoga, grounding exercise, talk to someone supportive, meditate at least 13 minutes every day, look at a photo that's your smile, jisko hum log bolte hain album huntings, squeeze a stress ball, keep a stress ball in your office. If a negative thoughts comes or somebody irritates you, jo aapko lagta hai, just squeeze a stress ball. Read for pleasure, don't read for gaining knowledge, read for pleasure. Walk, bike or jog. Count to 10 slowly and repeat. Dance if you can. Best
वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर जिसका सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च है जर्नलिंग ऑलरेडी डिस्कस इन द पास्ट राइट डाउन 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर पेरेंट्स वाइफ चिल्ड्रेन जॉब योर सीनियर योर जूनियर योर फ्रेंड्स जिसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करना हो डूडल ड्रॉ और कलर च्यू ए गम वॉच ए फनी वीडियो इन इंटरेस्टिंग बातों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है डायरेक्टली दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग और ये सारी मिनिमलिस्टिक चीजें हैं डॉक्टर कैन आई इंटरवीन नाउ या प्लीज आई आल्सो वुड लाइक टू सजेस्ट कैन आई नो योर नेम प्लीज आई एम सुमति वेंकटरमन या मिस सुमति डॉक्टर सी आई थिंक द you know we have lot of examples also in our office where they you know they follow their passion which is a great stress buster also absolutely. Also I mean I just wanted to intervene yeah absolutely okay so now oh I think I missed something no I'm here yeah then what next we did this okay sunbathing knitting or quilling then read an inspirational kind of a thing jumping jacks you could do in your office do something nice for someone else and don't make him realize or don't do this then hug a loved one but let the corona be over so and visualize a safe comforting place This is known as dream imagery. Very, very powerful technique. Pick some flowers. It's an interesting thing. Take a shower. Kick a football if you have family with some kids. Then diffuse your essential oils. Aromatherapy is an interesting talk. We can probably have some other talk on aromatherapy. This is one of my area of research. Then slow deep breathing. Enjoy tea or coffee. Various kinds of teas. Repeat a mantra, whichever like, do PMR, already discussed. Gardening, again, the most evidence we have for gardening. If you look at this, stressed spelled backward is desserts. And everybody loves desserts. So it is just where you look at it. The bottom line message is, it is what you perceive. And thank you very much. This is my number and I'm there. Very interesting thing. A fine is a tax for doing wrong, and a tax is a fine for doing well. I think all of you must have read this, heard this. But whatever I say, the only thing worse than paying income tax is not paying income tax. With this, I would like to end this. Jai Hind, Jai Bharat. I hope it made purpose. It served your purpose. Mr. Dikshit, over to you. Dr. Saab, पूछना चाह रहे थे. कि आपने कहा जैसे 7 से 8 घंटे मतलब नींद लेनी चाहिए तो क्या आप इस नींद इनको जैसे ब्रेक भी कर सकते हैं मतलब अगर कम इनको चाहिए 4 घंटे कर ले बिल्कुल नहीं अच्छा सिंगल स्ट्रेच लेनी चाहिए 7 से 8 घंटा बिल्कुल तभी थैंक हाँ डॉक्टर साहब अभी जिनसे बात हो रही थी सुनील मेहरोत्रा साहब इनकम टैक्स अफसर है लखनऊ में इससे पहले सुमाती वेंकटरमन मैडम ने फोन किया था वो एडिशनल कमिश्नर है चेन्नई में तो बहुत सारे सीनियर अफसर हैं जैसे बैंगलोर से ही एक अफसर है तिमिर हनन चक्रवर्ती साहब एडिशनल कमिश्नर रहे और सीपीसीई फाइलिंग जो रिटर्न फाइल होता है उसके नेशनल हेड थे हमारे और एसके मित्रा साहब है मुजफ्फरनगर में एडिशनल कमिश्नर 2 एडिशनल कमिश्नर देहरादून से भी हैं इस समय एनसी उपाध्याय साहब एस राणा साहब तो बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे जयपुर से भी हैं कोई ऐसा स्टेशन नहीं होगा चाहे वो पुणे है मुंबई है अहमदाबाद है बहुत सारे स्टेशन से हैं तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट हमें लगता है सर सोमानी साहब भी जुड़े हैं मुझे आइडिया नहीं पर मैंने उनसे शेयर जरूर किया था मैंने देखा एक्चुअली मैं एक राज की बात और बताऊं कि डॉक्टर साहब के ससुर साहब जो है श्री श्याम सुंदर सोमानी साहब बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कानपुर में मेरे संबंध उन्हीं के थ्रू ही बने थे और सोमानी साहब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनके लिए मतलब आदमी सम्मान से अफसर भी खड़ा हो जाता है तो उन्होंने वो सम्मान कमाया है
तो सोमानी साहब हैं, मैंने देखा था जब ऐड किया था तो उसमें लिखा हुआ था सोमानी साहब का नाम। तो आप लोगों में से अगर कोई कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहता हो, तो कृपया अपना क्वेश्चन रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसी ने कोई एक्सरसाइज बताई थी, जनरली हम क्या होता है राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो किसी ने बताया कि मॉर्निंग में जैसे एक दिन आप अल्टरनेट राइट हैंड और एक दिन लेफ्ट हैंड करें तो उससे भी माइंड शार्प होता है। इसी तरह उल्टा वॉक करने से भी माइंड शार्प होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? दीज आर ऑल, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, दिस इज बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है ना, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो राइट ब्रेन का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है, लेफ्ट ब्रेन का अपना वर्क है। एग्जैक्टली सर। तो जनरली बाय उसके लिए, बाय हेमिस्फेरिक फंक्शंस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। तो इसके पीछे सिंपल थ्योरी है कि हम न्यूरॉन्स की रीजनरेशन करते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो जो सिनेप्टिक कनेक्शन है उनको हमको इंक्रीज करना है। तो और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है डॉक्टर साहब इस तरह की, जैसे मैं एक कॉमन एक्सरसाइजेज है, कॉमन एक्सरसाइज है कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करिए, है ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, फ्रॉम वन लाइन टू वन पेज ऐसे करके, फिर एक ही कैनवस पे दोनों हाथ से लिखना शुरू करिए। ओके, एक ही कैनवस पे। उसके बाद आप ब्लाइंड फोल्डिंग करना शुरू करिए, उसके बाद वैरायटी ऑफ स्मेल्स को करना शुरू करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को टच करके आइडेंटिफाई शुरू करना है। तो अगर आप मेरी बातों को अगर आप शॉर्ट में समराइज करेंगे तो बेसिकली जितनी भी सेंसरी मोडलिटीज हैं उसको आपको अपने हाईएस्ट पीक पे लेने जाना है, स्केल्स उसको स्केल करना है। और इंटरेस्टिंगली ये एक्सरसाइज अपने आप में स्ट्रेस बस्टिंग तो है, लेकिन अगर आप इसको एक्सरसाइज के लिए करेंगे और टारगेट्स बना के करेंगे तो बहुत स्ट्रेस होगा। इसको आपको फन और प्लेजर के साथ करना है, यू टू डू इट विद फन एंड प्लेजर। अच्छा, वो फेमस लाइन बाय चार्ली चैपलिन इसने कही थी, तो वो भी मैं बोलना चाहूंगा कि आई लव वॉकिंग इन द रेन बिकॉज देयर नोबडी कैन सी मी क्राइंग। या एब्सोल्युटली, आपने सुना होगा शायद। तो इवन चार्ली चैपलिन जो मतलब सबको दुनिया को हंसाते थे, ही वाज इन स्ट्रेस, तभी मतलब ये इस तरह की लाइंस निकल के आई। तो मेरे ख्याल से डाइवर्जन इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब अपने आप को डाइवर्ट रखें, बिजी रखें तो सबसे बेस्ट। नहीं, स्ट्रेस के बिना तो आप जी ही नहीं सकते। इंटरेस्टिंगली इस टॉपिक का एक बड़ा टॉपिक है, द यूजफुलनेस ऑफ स्ट्रेस। इसीलिए स्ट्रेस की जब हम डिवाइड करते हैं, आपने मेरी 14 स्लाइड देखी होगी, type of stress, one is U stress, that is the good stress. We cannot live without stress. Agar stress nahi hoga to aap perform kar hi nahi sakte, but that is a positive stress. Problem aa rahi hai stress in terms of distress, usko hame uske impact usko bhi mere control mein nahi hai. What we need to do is we need to reduce the impact, chahe wo emotional ho, physical ho, psychological ho, biological ho. We need to work hard to reduce that, and this starts from self. So caring for self is very important. It is not selfishness. It is very important. Aur wahi se hum internal resilience shuru karte hain. Ki we need to grow. We need to work hard. We need to work very smartly. That is something very important. Thank you, sir. Namaskar, main Santosh Yadav. Yes, Mr. Yadav. जी सर, सर ड्रिंकिंग के लिए कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि ट्रिपल एक्स रम लिखा होता है। हाँ। तो वो कहते हैं रोमन में ट्रिपल एक्स का मतलब 30 हो गया, रम का फुल फॉर्म बनाते हैं रेगुलर यूज मेडिसिन। वो कहते हैं अगर एक बॉटल पूरे 30 दिन में लें तो वो मेडिसिन का काम करता है, इसमें कोई सच्चाई है या वैसे बनाई हुई है? इसका सर एक बड़ा अच्छा उत्तर है मेरे पास, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। इसका जवाब यही है सर, इसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, लॉजिक तो इसके साथ लॉजिक ऐड करना ही इलॉजिकल है। इसके साथ लॉजिक शब्द ऐड करना ही लॉजिकल है। सर ये आपके मऊ के हैं, ये संतोष यादव जी अंबाला में आईटीओ हैं और ये मऊ के रहने वाले हैं, घर इनका मऊ में है। और इससे पहले जो बात कर रहे थे वो राजेश शर्मा, बहुत सार प्रोफेसर है मेरे, ये जयपुर से बोल रहे थे। मैं ये तो समझ गया कि शर्मा जी राजस्थान के हैं, क्योंकि इनकी टोन, क्योंकि हम वहीं से हैं तो इनकी टोन तुरंत पहचान करे, हैं भी शेखावटी से। एग्जैक्टली सर, और आप शायद भीलवाड़ा के हैं सर, डेफिनेटली। नहीं, मैं सुजानगढ़ के थोड़ा सा आगे हूँ। अच्छा, सुजानगढ़ सर, हाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल। मेरा गांव बहुत ही छोटा था, अभी 4 साल पहले वहां लाइट आई, 5 साल पहले। लाडनू आपने सुना होगा, लाडनू के जस्ट पहले। बिल्कुल अच्छी तरह सुना है सर, मेरी जो वाइफ है शी इज फ्रॉम सीकर ओनली।
अरे तो हम सीकर से ही खाते हैं, सीकर ही लाड़ दो। चलिए चलिए एक बात तो प्रूफ हो गई कि दिक्कत होती है। सर ये राजेश जी, ये राजेश जी बहुत बड़ी खासियत है कि सब जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। नहीं शर्मा जी हमारा जयपुर में सेंटर है, हमारा जयपुर में सेंटर है रोड पे, तो वन से मंथ में जयपुर जाता हूँ, वन से मंथ में जयपुर जाता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे। सुशील जी से नंबर लेता हूँ सर, आप बिल्कुल बिल्कुल मिलिएगा सर मुझसे, बहुत सर ऑलवेज अ प्लेजर। डॉक्टर साहब नमस्कार सर, नमस्कार जी सर, मैं आर आर मकवाना बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी सर प्लीज। हाँ सर, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरली क्या है कि एक सिस्टम चलता है, ITBA जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से सारा वर्क होता है जी। तो कई बार क्या है कि स्ट्रेस हम तो काम कर लेते हैं लेकिन सिस्टम काम नहीं करता, कोई मॉड्यूल कई बार काम नहीं किया, इंटरनेट काम नहीं किया या समथिंग लाइक दैट, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीजें, वो दूसरे के कंट्रोल में है या टेक्निकल बातें हैं। और खैर अभी तो हमारी टाइम लिमिट बढ़ गई 31 मार्च से होके एक महीना बढ़ा दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो तब तक तो सब में बहुत स्ट्रेस था कि ये सारी चीजें हम एक साथ कैसे कर पाएंगे, जैसे एक दिन में 8 घंटे में या अब चलो 12 घंटा भी लगा लें, और कई कई लोग तो उससे भी ज्यादा काम करते हैं, तब भी वो काम न हो सके क्योंकि सिस्टम में एक ही बंदा एक बार भी एक ही चीज करेगा, तो इस प्रकार से स्ट्रेस आती है, तो उससे हम कैसे निजात पाए मेंटली। सर आपका क्वेश्चन बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये मकवाना साहब हैं, ये जॉइंट कमिश्नर हैं अहमदाबाद में। ओके 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 जी सर, अभी इलेक्शन ऑब्जर्वर भी बने हैं। अच्छा, हाँ तो कल जाना था इसीलिए थोड़ा पैकिंग भी कर रहा था, साथ साथ सुन भी रहा था, तो अच्छा। थोड़ा ये माफ करिए थोड़ा टी शर्ट में हूँ। चलिए सर बताइए। नहीं मिस्टर मकवाना, बेसिकली क्या है जो कोलैटरल्स हैं, ये बेसिकली कोलैटरल्स की वजह से स्ट्रेस है, थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, पर उससे आप डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे हॉस्पिटल में मेरा सारा काम हम लोगों का डिजिटल वर्क है, अब सडनली अचानक से UPS फेल कर गया और OPD में बहुत भीड़ है, तो हल्ला शुरू हो गया। अब चूंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं तो हमारे यहाँ OPD में 2 या 4 या 5 एक्साइटेड पेशेंट्स आ ही जाते हैं, तो काफी क्योटिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ओनली थिंग विच यू कैन डू इज यू हैव टू टेल योर ब्रेन, और इसको बोलना है, एक्सरसाइज ये है कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है, फुल स्टॉप, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई हैव नॉट क्रिएटेड इट नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, I will certainly try to do whatever best can be done in this adverse situation. तो इससे, और ये एक immediate reaction की तरह, क्योंकि वो तभी ठीक होगा जब आप करेंगे, जब आप उसको, जब वो situation ठीक होगी, जो आप digital problem या technical problem बता रहे हैं, जब वो solve होगी तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। भाई जब system चालू होगा, वहां से data आएगा, उस data के बाद आपको अपना data entry करना है, तो जब पीछे से नहीं आएगा तो यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सो वो स्ट्रेस को कॉम्बैट करने का एक ही तरीका, यू हैव टू कीप योरसेल्फ टेलिंग, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड दिस इज अ सिचुएशन विच कैन हैपन एनी टाइम, बट आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट इन दिस सिचुएशन, द बेस्ट इन दिस एडवर्स सिचुएशन। इसका एक ही तरीका है, क्योंकि ये तो हम जिस डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, मेजॉरिटी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेजॉरिटी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को कॉमनली एग्जांपल देते हैं कि हम लोग रोज शेव करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसी शेव आज बनी कल भी वैसी बनेगी। सो नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, सो ओनली थिंग इज यू विल हैव टू मूव विद दैट, यू विल हैव टू जस्ट मूव विद दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ये बोलना, दिस इज नोन एज ऑटो सजेशन, या इसका एक्सट्रापोलेटेड वर्जन है सेल्फ हिप्नोसिस, कॉन्स्टेंटली गिव ऑटो सजेशन। जैसे आपको कोई नैगिंग पेन है शोल्डर में या नी में, कीप ऑन टेलिंग कि नहीं इतना पेन नहीं है, इतना पेन नहीं है, इतना पेन नहीं है, उसके लिए एक्सरसाइज करिए, ट्रीटमेंट करिए, बट दैट पेन शुड नॉट रिमाइंड यू ऑन एंड ऑन की पेन है, पेन है आपका टेंशन, इसी तरह ये भी है। सो कीप ऑन टेलिंग इट, कीप ऑन टेलिंग इट। सर, बीच में नितिन सर आप भी कुछ पूछना चाहते थे। हाँ नितिन सर, हाँ सर,
नमस्कार सर, मेरा नाम नितिन दिवाकर है, मैं हुबली कर्नाटक से हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक पूछना था मुझे। सर नमस्कार सर, चला कि सर सर मुझे एक पूछना था कि ये जो स्ट्रेस होती है ये एनिमल्स में नहीं होती, क्या इसका एक कारण ये है कि वो नेचुरली जीते हैं और इंसान अननेचुरली जीता है, इसके लिए उसको स्ट्रेस आती है? बहुत सारा स्टडी है सर, साइल की स्टडी है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडी इज डन बाय हैन साइल, एंड बेसिकली एनिमल्स डू हैव स्ट्रेस। ओके, दे हैव ऑल द इमोशंस व्हिच यू एंड मी हैव। इफ यू आर ए पेट लवर, वी हैव now treatments for depression in dogs. I have dogs, cows and rabbits in my home. We keep 2-3 cows and 2-3 dogs, and we can easily see them depressed. They have stress, but your this thing question is of great relevance, because their coping mechanism are natural, not derived by the worldly affairs. That is why they cope. Hamara coping mechanism jo hai वो हम इस वर्ल्ड से डिराइव करते हैं, और जो हाईली सब्जेक्टिव है, आज एनिमल है अगर जंगल में तो एक जैसा कोपिंग मैकेनिज्म सबका है, सो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन कोपिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेस इन एनिमल्स तो है ही है भाई, अगर जंगल में एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाएगा वो तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है ना कि टूडे आई मे बी ए प्रे, इज कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस, बट दे हैव देयर मैकेनिज्म विच आर वेरी वेरी नेचुरल मैकेनिज्म। So, सारा एफर्ट हमें करना है नेचुरल मैकेनिज्म से अपनी रेजिलियंस को बढ़ाने का। जो मेरे पूरे प्रेजेंटेशन का 40% आई स्पेंड ऑन रेजिलियंस, द रीजन वाज दिस कि अगर आप डांस करते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, आप इमोशंस को पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करते हैं, आप अपने 5-6 फ्रेंड से हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं, आप अपनी प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को कि हेल्थ देन फैमिली व्हाटएवर, so this automatically makes you so resilient and so immune, your psychological immunity is so strong that you don't have to fight, you don't have to fight to combat stress. Stress will not, at the very first place, stress will not impact you. So that is the difference between defense mechanism of animals versus defense mechanism of modern humans. All right. Thank you, doctor. Thank you. My pleasure, sir. Good evening, doctor. बहुत अच्छा session है आपका. Thank you very much, sir. Myself, Shailin Shivastav from Noida. I just request you to, sir, explain further when you were telling about meditation. Yeah. You used three terms, BBS, LK and OT. Yeah. You have explained, but a little better way, if you can explain, it will be a beneficial to all of us. मैं ऐसा कर सकता हूँ कि can I send this small presentation of 5 slides? अगर आप उनको Mr. Dikshit जी को अपना दे दें WhatsApp या mail ID, जी मैं आपको कल morning में 7 बजे के आसपास भेज देता हूँ, फिर then I can discuss with you in person, क्योंकि मैं चाहूँगा एक बार आप उसको देख लें, है ना, because body brain scan and loving kindness and this thing, ये तीनों बहुत important है, और ये बहुत, ये थोड़ा सा इसका it requires a deeper understanding, because अगर वो जरा सा भी confusion होगा, क्योंकि ये bottom down and top down approach है जो कि neural circuit से related है, this is related to our brain circuits, so it has got 80% component of brain science. So, आप इस प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, जस्ट इन 2-3 स्लाइड्स, गो थ्रू इट, एंड देन आई थिंक मिस्टर दीक्षित कैन मेक अस कनेक्टेड। जी, आई विल रिक्वेस्ट हिम। थैंक यू। आई लव टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर साहब का नंबर शेयर कर दूंगा। सर डॉक्टर साहब, लगता है नस पैर की नस की डॉक्टर साहब के पुल हो गए। नहीं नहीं, कल मेरा फ्रैक्चर हो गया सर। अरे अरे, yesterday I had fractured my knee. I met with an accident yesterday. अरे कैसे डॉक्टर? मैं अपने चुनार वाले सेंटर पे गया था, वहाँ 23-24 फीट नीचे गिर गया। अरे कल दोपहर में ही। ठीक है, अभी प्लास्टर पे हूँ, ठीक है।
और उसके बाद ये सेशन पर आपको कमिट आपको आपको कमिट किया था तो इसलिए करना था। अरे सर तो आपका बहुत तो ऐसा भी टाइम ले लिया। नॉट अ प्रॉब्लम सर, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। वेरी मच ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। नॉट नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। सो काइंड ऑफ सर। जैसे वन एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था सर। आवाज नहीं आ रही मिस्टर श्रीनिवास। श्रीनिवास बोल रहा हूं, जैसे मिस्टर श्रीनिवास आई कैन नॉट हियर यू। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। श्रीनिवास सॉरी हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही है सर। जमशेदपुर में आईटीओ हैं। अच्छा अच्छा ओके, इनकी आवाज नहीं आ रही है, साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। अभी अभी आ रही है। हेलो साफ नहीं है सर। मैसेज टाइप कर दें, मैसेज टाइप कर दें, उसमें पास देख लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं है, बाद में डॉक्टर साहब से मैं नंबर डॉक्टर साहब का शेयर कर दूंगा, और अगर किसी को जरूरत हो तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके टाइम लेके बात कर लिए कर लेंगे, फोन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत जेंटल पर्सन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उतने ही मतलब के अच्छे इंसान है, ये आप समझ लीजिए। अरे दीक्षित इसलिए जो है किसी को डॉक्टर साहब पहुंच में है कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, और आप सब लोग अपना फीडबैक डॉक्टर साहब को जरूर उस नंबर पर दीजिएगा कैसा लगा। अगर अभी कोई कुछ कहना चाहता है तो एक आध लोग कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का चूंकि कल अभी पता चला कि चोट लग चुकी है और फ्रैक्चर हुआ था, तो अब मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब को ज्यादा परेशान किया जाए, उनको बैठाया जाए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है कि डॉक्टर साहब को इतना ज्यादा तकलीफ हो, उसके बावजूद एंथुसियास्टिक होके और भरपूर मतलब जोश खरोश से हम लोगों को पूरा सेशन इन्होंने अटेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर कोई गेस नहीं कर पाया कि डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल, सेशन जो है एकदम पता नहीं चला है, एकदम पता नहीं चला है, एक एक बार के लिए भी पता नहीं चला, वो लास्ट में सर अब पता चल रहा है, पेन नहीं हो जाता तो ये समझ में नहीं पता चल रहा होगा, अब दिखेगा। सही है डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, मैं एसबी शर्मा रांची से बोल रहा हूँ, दिन में भी बात हुई थी आपसे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, आई एम रियली सरप्राइज्ड। मैं तो आपकी आवाज का फैन हो गया हूँ सर। सर हम लोग सब आपके फैन हो गए। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर। आपने बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत बड़ा लेसन हम लोगों को दे दिया कि इतने प्रॉब्लम इतने पेन के बावजूद भी आपके चेहरे पे स्माइल बनी रही और अपने कमिटमेंट को आपने नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है सर। इट्स अ प्लेजर सर, बहुत बड़ा लेसन आपने आज सिखा दिया। बाकी चीजें तो आपने सिखाई ही, स्ट्रेस से हमें कैसे निकलना है, लेकिन बाकी जो लेसन मिला हमें ये बहुत बड़ा है और हम इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं वेट कर रहा था आपका, मैं इतनी देर से मैं खोज रहा था, आप मुझे दिखे नहीं, मैं दिख आप दिख जाते सर। आई एम सो वी फील सो प्रिविलेज्ड एंड वी आर सो मच थैंकफुल। अरे नहीं सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। कार्यक्रम और इतनी परेशानी के बावजूद भी आपने समय निकाला हम लोगों के लिए। नहीं नहीं, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर सर। आई विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी सर, आप जल्दी जल्दी थैंक यू वेरी मच स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी सेवा समाज के लिए काफी जरूरी है, तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं उम्मीद कर थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपका फोर एम्स अवॉइड अल्टर एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। यस सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग सबको आपका की दिया हुआ लेक्चर अभी का, और बिना स्ट्रेस का बिना कोई कठिनाई का आपने इतना देर हेल्थ प्रॉब्लम रहते हुए भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अविनाश कुमार, आईटीओ जमशेदपुर से। जमशेदपुर ओके, राइट सर। अविनाश कुमार साहब हैं, आईटीओ हैं जमशेदपुर में, और मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे उसके सर इस समय प्रेजेंट एडमिन यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल 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 अच्छे ग्रुप का एडमिन होना भी कोई मतलब एमएलए एमपी से कम की बात नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये देन है केवल सुशील दीक्षित जी का, वो मतलब उनका जो लेबर है इसको बनाने में, इस ग्रुप को बनाने में, वो अद्वितीय है। मतलब हम लोग कब वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कितना मेहनत करते हैं। नहीं, आज नहीं, बात तो दीक्षित जी से मिला, जब पहली बार से मिला आप उसकी, हमारा फर्स्ट कनेक्ट ही आत्मिक हो गया था। पहला कनेक्ट ही आत्मिक था। ये ऐसा ही आदमी है, उनसे जो एक बार कनेक्ट कर दिया
वो फिर हमेशा डेंजरस है हो जाता है। तो एक एक अफसर से और मिलवाना, अरविंद मिश्रा साहब लखनऊ से, उन्नाव आईटीओ उन्नाव, अरविंद। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये अरविंद मिश्रा जी हैं जिनसे हमने आपके काम के लिए बोला था, काम लखनऊ का था ना, वो इन्होंने करवाया था। ओके ओके ओके, हाँ हाँ मिश्रा जी, आपका वीडियो ऑन हो तो सामने आ जाइए। जी 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 अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू तो आपका कि आपने इतना टाइम निकाल के। अरे नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, ये अच्छा लगा। मिश्रा जी आप समझ पाए उस काम को, हमने बोला था एक काम बोला था। जी जी याद है, याद है जी। तो डॉक्टर साहब तो जानते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप अब रेस्ट कीजिए, और अगर आप पहले बताते तो मैं सेशन सच में पोस्टपोन कर देता। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं कभी नहीं। अब आप रेस्ट करिए और हम लोग ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे आप जल्दी स्वस्थ हों। मेरा एक सजेशन है, सब लोग अनम्यूट करके अपना माइक एक थंडरस एप्लॉज के साथ डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलें। Thank you, doctor. Get well soon, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Shubh Ratri, main ijazat leta hoon. Thank you, doctor. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Thank you. Thank you, sir. सुशील भाई साहब, मैं कह रहा हूँ एक पंजाबी इंसिडेंट सुनाना चाह रहा हूँ मैं, पंजाबियों को स्ट्रेस कम क्यों होता है। एकदम सुना दो, सुना दो। मेरे एक मित्र ऐसे पंजाबी है, वो उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ, ड्रंक थे दोनों, दो दोस्त थे, दोनों ड्रंक थे। तो जब आगे जाने लगे तो पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, वो लगा के चेक करते हैं ना, वो लगा के चेक करते हैं। तो वो चेक करने लगे तो क्या हुआ, जब दो तीन गाड़ियां आगे रह गई ना, तो वो दोनों उतर के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गए। तो क्या हुआ, पुलिस वाले आगे आए, पुलिस वाले ने बोला आगे लीजिए आप वहां क्यों खड़े हो। तो उन्होंने हाथ से बाहर निकाल के बोला इधर आओ। तो पुलिस वाला गया पास में, तो बोला क्या हुआ जी सरदार जी, गाड़ी आगे क्यों नहीं ले रहे, ड्राइवर क्या है। तो सरदार जी बोले कि ना अपना जो अस्सी ड्राइवर है ना, वो तो भाग गया जी आपको देखते। तो बोला कोई बात नहीं आप चलो। तो बोला कि नहीं नहीं हम तो ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक कर रखी है। बोला कोई बात नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, भाग जाओ, आगे वाली सीट पे बैठ के चलाओ आप। तो वो दोनों वापस आगे बैठे और आराम से गाड़ी निकाल के ले गए। तो स्ट्रेस ऐसे खत्म किया जाता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम। और कैसा लगा आप लोग को आज का प्रोग्राम, कैसा लगा राजू? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इसमें कोई कहने की बात नहीं रही सर, बहुत सुंदर, अति उत्तम, वेरी यूजफुल टिप्स। टीचर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार प्रोग्राम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन ये अभी तक ये सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ काश्मीर मैडम नमस्कार, वंडरफुल सर, वंडरफुल, वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। रिचित जी बहुत बहुत प्रशंसा के प्राप्त हैं, सुशील जी सर बता रहे थे ना, वो जो शेयर किया है तो मेल कर देंगे, अगर मेल कर देता है तो हम लोग को भी कॉपी मिलना चाहिए, सबको शेयर करेंगे। नमस्कार।
मैं जो है डॉक्टर साहब पर उनका ईमेल का जो पीपीटी मैं शेयर करूंगा सब। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी इजाजत चाहूंगा और जो है सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है इस तरह प्रोग्राम के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। हमेशा हम लोग तो सोचते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनका आयकर विभाग आयकर पर ही प्रोग्राम हो, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम सोचना ही बड़ी बात। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा राजीव निगम जी का डॉक्टर साहब का, बहुत बढ़िया धन्यवाद।